आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, और साथ में मैंने आपको बताया था और एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहां पे होते हैं जिनको कहते हैं माइकोप्लाज्मा, राइट। तो मोनेरा इज डन, मोनेरा में क्या था, एक थे आर्की बैक्टीरिया, दूसरे थे यू बैक्टीरिया, और तीसरा कैटेगरी क्या है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या था, मोनेरा के सेल्स कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक, फिर इनका डीएनए कैसा है, सिंगल क्रोमोसोम में होगा, सिंगल क्रोमोसोम होगा, फिर वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, सर्क्यूलर होगा और डबल स्ट्रैंडेड होगा, और एक्स्ट्रा डीएनए इनके पास होगा किसमें, प्लाज्मिड के फॉर्म में। प्लाज्मिड वर्ड याद रखना, अगले साल प्लाज्मिड आपको आएगा जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, वहां पे प्लाज्मिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये प्लाज्मिड की वजह से ही बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हो पाया, तो प्लाज्मिड को याद रखना जरूरी है आपके लिए। फिर यहाँ पे इन सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, जैसे आपके और मेरे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गॉल्गी बॉडीज है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, ऐसे ऑर्गेनेल्स इनके पास नहीं है। फिर आपने और एक चीज देखी कि ये मोनेरा वाले जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिसेलुलर होते हैं, दे आर कंपल्सरी यूनिसेलुलर, बट सम ऑफ देम कैन बी सेलर, नहीं कहोगे उनको क्या कहोगे, फिलामेंटस, क्योंकि हर सेल अपना अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस वाला रहेगा, हर सेल जिएगा सेपरेटली, ठीक है, उसका दूसरे सेल से कोई कोऑर्डिनेशन या ऐसा नहीं रहेगा, तो उसको कहते हैं हम ओके ओंकार, वेरी गुड अफ्तुमुल, तो उसे कहते हैं फिलामेंटस। फिर दोनों टाइप के मोनेरा प्रेजेंट है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप, यस। ऑटोट्रॉप्स के अंदर वापस दो टाइप्स आपने परसों देखे थे लास्ट मंडे के लेक्चर में, क्या थे, एक फोटो ऑटोट्रॉप और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप मतलब सनलाइट की एनर्जी हासिल करके फूड बनाते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉप्स केमिकल सब्सटेंसेस से एनर्जी हासिल करके फूड बनाते हैं। फिर इधर हेटरोट्रॉप्स में भी आपने देखा कि कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और कुछ होते हैं सेप्रोफाइटिक, दोनों में डिफरेंस भी आपको पता है पैरासाइट और सेप्रोफाइट में, यस एवरीवन नोज द डिफरेंस, आवाज येत नहीं है माझा, येतोय सर, येतोय सर, हार्दिक येतोय, ध्रुवी क्या रिपीट करना है बोलो ध्रुवी, नेटवर्क इशू था, हाँ हाँ वो हम भी समझ रहे हैं आपका नेटवर्क इशू, बट क्या रिपीट करना है, कुछ रिपीट करना हो तो बोलो, अच्छा हार्दिक तुला आवाज येतोय, हार्दिक, हार्दिक आर यू देयर, ठीक है। तो ये था अबाउट मोनेरा, अब कुछ मोनेरा यूजफुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं, ये भी हमने देखा, जैसे हमारे घर में मिल्क से कर्ड्स तैयार करने हो तो उसके लिए हमें लैक्टोबैसिलस की जरूरत पड़ती है, और लैक्टोबैसिलस क्या है, यूजफुल होगा हमारे लिए, बैक्टीरिया है, बट कुछ ऐसे भी होते जिनसे बहुत सारी बीमारियां, अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है, जैसे टाइफॉइड है, न्यूमोनिया है, लेप्रसी है, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है, ओके। सो दिस वाज अबाउट किंगडम मोनेरा, मैंने क्विक रिकॉल किया है सिर्फ, डिटेल में आपने लास्ट टाइम देख लिया था और कुछ पॉइंट्स भी आपने लिखे थे। तो किंगडम मोनेरा के बाद नेक्स्ट किंगडम क्या देखना है बताइए मुझे, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट किंगडम, यस
अच्छा तो ध्रुवी सुना अभी आपने ना, ध्रुवी ध्रुवी सुन लिया आपने? आज क्या हुआ है, आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हो बराबर से? ओके बाकी लोग कुछ दूसरे काम में बिजी हो गया। नॉर्मली रिस्पांस आते आपके, आज क्या हो गया है? ओके युक्ता थैंक यू वेरी गुड। अदर्स युक्ता ने तो आंसर दिया है कौन सा नेक्स्ट नाम पढ़ने है उसके लिए। बाकी लोग और मैसेज करने के लिए कोहोस्ट है वहां पे जिसके आगे CHET लिखा है, यू कैन मैसेज टू दैट कोहोस्ट आल्सो। सो नेक्स्ट किंगडम जो हमें देखना है दैट इज प्रोटिस्टा। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, देखते हैं कितना हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कंपेयर करते हैं बेसिकली। विल कंपेयर देम, मतलब कंपैरिजन में क्या होता है, सेम पॉइंट्स भी आ जाते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स भी आ जाते हैं, राइट? तो कंपैरिजन करते हैं किसका, मोनेरा और प्रोटिस्टा का। तो अगर सिमिलर पॉइंट लिखना है मुझे तो सबसे पहला सिमिलर पॉइंट रहेगा, ये भी यूनिसेलुलर है और ये भी क्या है, यूनिसेलुलर, बोथ आर यूनिसेलुलर, बराबर। फिर इनमें भी कुछ ऑटोट्रॉपिक होते कुछ हेटरोट्रॉपिक होते, वैसे यहां भी प्रोटिस्टा में भी कुछ ऑटोट्रॉपिक होंगे और कुछ हेटरोट्रॉपिक होंगे, तो दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। फिर कुछ मोनेरा में सिल्वॉल प्रेजेंट है, वैसे ही कुछ प्रोटिस्टा में भी सिल्वॉल इज प्रेजेंट। सो दीज आर लाइक सिमिलर पॉइंट जो हमने अब तक आइडेंटिफाई किए, लेकिन डिफरेंट वाले पॉइंट्स भी काफी सारे हैं। जैसे मोनेरा प्योरली क्या है, सारे मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, जबकि प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक के सारे लक्षण इनके अंदर और यूकैरियोटिक के सारे लक्षण इनके अंदर होंगे, तो आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस पता है, तो वो सारे डिफरेंसेस यहाँ पे आपको नजर आएंगे। ओके फिर इनके तीन ग्रुप्स हमने बनाए थे, इधर पांच ग्रुप्स है, प्रोटिस्टा के पांच डिविजन है, किंगडम प्रोटिस्टा में कितना डिविजन है, पांच, जबकि यहाँ पे कितना डिविजन था, तीन डिविजन था। सो दिस वॉज अ क्विक कंपेरिजन ऑफ बोथ किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ प्रोटिस्टा। ओके तो देखते चलो क्या है किंगडम प्रोटिस्टा में। Okay, so this is Kingdom Protista and the five groups of Kingdom Protista which we are going to study one by one. तो इसमें किसको शामिल किया है, सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को, और वो कैसे है, यूकैरियोटिक है, एंड दिस ऑर्गेनिज्म शो अ लिंक। जो भी आप मैसेज कर रहे हो, पुट द मैसेज टू द को होस्ट, जहां पे CHET चैट लिखा है वहां पे मैसेज जाने दो।
और प्रोटिस्टा से तीन अलग अलग किंगडम ऑर्गेनिजम्स के इवॉल्व हुए। तो दीज ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा शोज अ लिंक बिटवीन थ्री डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके हाँ ठीक है, आपको लिखना है तो लिखो नहीं सर, तो लिहून निकल गए ना। जाएगा। हाँ ऐसे चला सुन सर। ओके सो फर्स्ट ग्रुप की हम बात करेंगे। पहला ग्रुप जो है उसको कहते हैं हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट या क्राइसोफाइट्स। फर्स्ट ग्रुप ऑफ की डिवीजन ऑफ किंगडम प्रोटिस्ट इज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। They are also called as chrysophytes. और इसमें आते हैं कौन? Diatoms and desmids. इसमें आते हैं diatoms and desmids. तो अभी आपके सामने एक diatom का structure आ रहा है। पहले मैं diatom का structure explain करूंगा and then we'll धरती पर एक दस स्लाइड दिखवाना। हाँ लिहाई तो था पर लिहाई तो एक दस पर स्लाइड का है। ओके ये दरअसल देखा हैंड रेज करूँ देखा मुझे माला पटकन समझेल बेटा। नाव येणारच आहेत परत, नावं नाही लिहिली चालतील त्यांच्या पाच ग्रुपची। ऍक्च्युली पहिले दोन लाईन लिहिले तरी सफिशियंट आहे सध्या पुरत। ओके सो अब ये डायग्राम जो आपके सामने है ये डायटम्स का डायग्राम है। ठीक है, व्हाट आर डायटम्स? देखो उसका वर्ड कैसे बना है डायटम्स। तो इमेजिन करो आपके हाथ में एक सोप बॉक्स है। सोप बॉक्स हमारे घर पे सोप बॉक्स होती है। उस तो सोप बॉक्स में एक पार्ट नीचे जो होता है वो छोटा होता है और ऊपर उसके हम और एक पार्ट फिट करते हैं। अंदर सोप रहेगा और ऊपर से हमने उसको क्या किया है फिट किया है। इसी तरह से ये डायटम्स के अंदर दो शेल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ फिट होते हैं, यानी ऊपर वाला नीचे के ऊपर ओवरलैप होके उसको पैक करेगा। यानी अंदर वो डायटम है लेकिन ऊपर क्या है कवर है उसका, सेल वॉल जो दो शेल्स से बना है। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है डायटम्स। और इनके ये सोप बॉक्स की तरह फिट होने वाले सेल वॉल से। तो दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका। ये जो शेल्स होते हैं द शेल्स दैट फिट लाइक अ सोप बॉक्स आर मेड अप ऑफ सिलिका। अब आपको पता होना चाहिए सिलिका क्या होता है। तो सिलिका सैंड के अंदर होता है, यानी समुद्र के अंदर जो सैंड है वो उसमें क्या होता है सिलिका। उसी सिलिका से शायद ग्लास भी बनती है, आपको बाकी डिटेल्स पता होंगे शायद। तो ये सिलिका जो होता है ये सिलिका नॉन डिग्रेडेबल है, सिलिका कभी डिग्रेड नहीं होता है। तो होता क्या है ये डायटम जब मर जाते हैं तो ये बॉटम में सेटल हो जाते हैं समुद्र के तल में और वहां पे पूरा इनका शेल जमा होते रहते हैं, लेयर्स पे लेयर्स बनते जाते हैं। बराबर, अब इमेजिन करो पिछले 400 करोड़ साल से डायटम्स अर्थ पे है तो समुद्र के तल में कितने डायटम्स जमा हो गए होंगे अब तक। तो वो जो तल में जमा होते हैं वो मिट्टी की तरह ये यूनिसेलुलर है माइक्रोस्कोपी के, तो बारीक बारीक कण होंगे इनके
सब मिलके मिट्टी बनती है और उस मिट्टी को हम कहते हैं डायएटोमशियस अर्थ। उस मिट्टी को क्या कहते हैं? डायएटोमशियस अर्थ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं दुनिया में जो समुद्र के तल में जाके वहां से ये पूरा अर्थ निकाल के लाती है, क्योंकि ये डायएटोमशियस अर्थ के बहुत सारे यूजेस है। सबसे पहला यूज इसका होता है फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्ट्रेशन, फिर पॉलिशिंग में, और एक यूज मैं आपको बताऊंगा जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। क्या तैयार करने में काम आते हैं? ब्रिक्स। लेकिन ये ब्रिक्स जो है मैं बता रहा हूँ, दीज ब्रिक्स आर ऑफ यूनिक टाइप, क्योंकि ये ब्रिक्स यूज होती है कहाँ पे? भट्टी के अंदर, किल्न बोलते हैं, किल्न, भट्टी होती है, भट्टी। तो जैसे भट्टी होती है तो भट्टी के अंदर कोई भी आप बेकरी में जाओगे तो बेकरी में एक भट्टी होती है, बराबर। तो वहां पे भट्टी के अंदर जो टेम्परेचर हाई रहता है उस टेम्परेचर को सहन करने की ताकत किसमें है? इन ब्रिक्स के अंदर है। तो खास जहां पे हाई टेम्परेचर का काम होगा वहां पे दीवारें जो बनेगी वो किससे बनेगी? डायटोमिशियस अर्थ के ब्रिक्स से बनेगी। तो ऐसा ये डायटोमिशियस अर्थ है जो समुद्र के तल से निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, इसका क्या करते हैं? माइनिंग। फिर ये जो डायटम्स है इनको और एक नाम से आप जानते हो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड दे आर ऑटोट्रॉप्स, सनलाइट ट्रैप करके फूड बनाते हैं, सो वी ऑल्सो कॉल्ड देम चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस, चीफ प्रोड्यूसर्स। जैसे जमीन पर पेड़ पौधे होते हैं वैसे समुद्र में सनलाइट ट्रैप करके फूड तैयार करने का काम कौन करते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स करते हैं। और इन्हीं का यूज करके फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, वो फूड चेन चलती है। तो समुद्र के एक्वेटिक फूड चेन का मेन हिस्सा कौन है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टॉन्स खाएंगे फिश, फिश को खाएंगे फिर, मतलब कोई वहां पे जो छोटे एनिमल्स होंगे एक्वेटिक को खाएंगे, उनको फिर बड़े एक्वेटिक एनिमल्स, उनको फिर और बड़े एक्वेटिक एनिमल्स, इस तरह से फूड चेन चलती है। तो फूड चेन के लिए मेन प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कौन है? ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स। आई होप दिस मच इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू एवरीवन। सो लेट अस सी सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू नीड टू राइट इन योर आंसर। तो ये ऐसे पॉइंट्स है जिनको आप नोट डाउन कर सकते हो। I have explained them all. Just note them down quickly. Very good, Dikshit. जैसे लिखना शुरू किया हाथ रेज कर दिया, बहुत अच्छे। ये habit लग जाएगी तो teachers के लिए भी काम आसान कर दोगे। They will know that you are writing.
बिग वेग कल्पक सुमित मनाली ओके वेरी गुड. सो दिस वाज अबाउट प्लांट लाइक प्रोटीन. देखो अभी इनको प्लांट लाइक क्यों बोला है. प्लांट लाइक इसलिए बोला है क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स है, सनलाइट ट्रैप करके फूड बनाते हैं. साथ में और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि इन्हीं से इवॉल्व हुए कौन, प्लांट्स. तो इसलिए इनको क्या नाम दिया है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. अब प्लांट देख लिया हमने तो सेकंड कैटेगरी नेचुरली क्या देखनी होगी, सेकंड कैटेगरी विल बी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट सेकंड कैटेगरी इज एनिमल लाइक प्रोटिस्टा. अब इनको एनिमल लाइक क्यों बोला है तो उसके पीछे का मेन रीजन है ये सारे क्या है, एनिमल्स की तरह हेटरोट्रॉपिक है, मतलब इनसे ही एनिमल्स इवॉल्व हुए ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं. ओके सो दे आर कॉल्ड एज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. और इसमें चार टाइप के एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. और ये भी यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है सारे मोस्टली. और इनको कहते हैं ज़ूओप्लैंकटन. अगर पानी में रहने वाले होंगे तो क्या कहेंगे इनको, ज़ूओप्लैंकटन, ZOO. थोड़ी देर पहले वर्ड आया था फाइटोप्लैंकटन. फाइटो मतलब क्या, फाइटो क्या था, फाइटो माने प्लांट. और ज़ूओ मतलब क्या, ज़ूओ मतलब एनिमल. So, these are heterotrophic. Again, सारे प्रोटिस्टा की तरह ये भी क्या होंगे, यूनिसेलर होंगे. लेकिन इनमें हमें देखनी है चार अलग अलग कैटेगरीज और वो कैटेगरी किस बेसिस पे है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दे आर क्लासिफाइड mainly on the basis of locomotory organ. ये मूव हो सकते हैं, इनमें लोकोमोशन होता है, तभी तो इनको हम एनिमल लाइक बोलते हैं. जैसे आप और मैं मूव होते हैं तो हम एनिमल्स है. जूलॉजी हमारे शरीर को क्या कहते हैं, जूलॉजी. ZOO मीन्स मूवमेंट. वैसे इनके अंदर भी मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होता है. और लोकोमोशन के लिए इनके पास अलग अलग ऑर्गन्स हो सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली ये एनिमल लाइक प्रोटीज जो है ये कितने टाइप के हैं, चार टाइप के. एक जिनमें लोकोमोशन के लिए क्या है, सूडोपोडिया है. लोकोमोशन के लिए क्या है, सूडोपोडिया. दूसरे होंगे जिनके पास लोकोमोशन के लिए क्या होगा, फ्लैजेला. तीसरे होंगे उनमें लोकोमोशन के लिए क्या होगा, सीलिया. और कुछ ऐसे होंगे जो क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे. क्या बनाएंगे, स्पोर्स. तो ऐसे चार अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है किसकी, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की.
एक जिनमें सुडोपोडिया है लोकोमोशन के लिए, दूसरा जिनके अंदर फ्लैजिला है लोकोमोशन के लिए, तीसरा जिनके अंदर सिलिया है, और चौथा जो स्पोर्स बनाते हैं। तो सुडोपोडिया वाला जो एग्जांपल होगा वो किसका होगा? अमीबा। वेरी गुड। फ्लैजिला वाला एग्जांपल क्या होगा? ट्रिपैनोसोमा। सिलिया वाला एग्जांपल क्या होगा? क्या लिखा है मैंने पढ़ सकते हो आप? ये पैरामोशियम। पैरामोशियम, पैरामोशियम, यस, मतलब दिख रहा है क्लियरली, वेरी गुड। और ये स्पोर, स्पोर बनाने वाले जो है, इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको पता है मलेरिया जिससे होता है उसको हम क्या कहते हैं? मलेरिया जिससे होता है वो पैथोजन का नाम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम, राइट। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की चार कैटेगरी हमने यहाँ पे की है डिपेंडिंग ऑन देयर लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है। सो एक ये पैरामेशियम है, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं पैरामेशियम के लिए, आपको और भी कुछ बताना है मुझे, बट बिफोर दैट यहाँ से ये नोट डाउन कर लो चीजें, एंड देन वील गो बैक टू पैरामेशियम। फटाफट फटाफट जरा वैष्णवी पाटिल, झालं ना? हार्दिक, सुमित, शरद, हिताली, थोडा घाई करा। अमीबा सगळ्यांना माहिती आहे, अमीबा मध्ये सुडोपोडिया असतात, सुडोपोडिया हेल्प्स इन लोकोमोशन एज वेल एज इन कैचिंग प्रे। तो एक और वर्ड आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैच करते हैं फूड को और इंजेस्ट करते हैं, एनगल्फ करते हैं, इनके लिए और एक वर्ड यूज होता है, दे आर कॉल्ड होलोजोइक। क्या कहते हैं इनको? होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स एनगल्फ सॉलिड फूड, यानी आप और मैं, हम भी क्या है? होलोजोइक है। चलो अमीबॉइड हो गया, अब नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन।
अब तीनों एक ही स्लाइड पे है, इधर ही ये स्लाइड खत्म होता है, फ्लैजेलेटेड। तो इनमें फ्लैजेला होगा और इसका एक एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा, जिससे एक बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस। आपको फ्लैजेला और सिलिया में फर्क शायद पता है ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, बट स्टिल आई कैन एक्सप्लेन इट अगर जरूरत है तो। ओके, बाकी लोगों का, सुमित ने हैंड रेज किया, ठीक है सुमित आपका हो जाए तो हाथ नीचे कर लेना बेटा। क्या समझने का, बाकी लोग नहीं लिख रहे ऐसा? चलो, 6 people are writing. बरोबर। नोटबुक मध्ये उतरणारच नाही ते। Unless you write, nothing is going to stay in your memory for a long time. एकदम सिंपल है। जनतुल, श्वेता, स्वरा, वेलकम जनतुल, श्वेता, स्वरा, हरिया, बिग वीक, सुमित, हार्दिक, तनिष्का, असौरी, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसा बोलते हैं ना, प्यास लगी कुआं खोदो, एग्जाम आया पढ़ाई करो। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका तरीका अलग होता है, दे बिलीव इन द प्रिंसिपल, पढ़ाई करो एक बार, एग्जाम दो बार बार। तो आइडेंटिफाई करो अपने आप को, हम किस कैटेगरी में आते हैं। कल एग्जाम है, आज पढ़ लिया, काम हो गया, अच्छे मार्क्स भी आ गए, क्योंकि मेमोरी शॉर्ट टर्म अच्छी है बट लॉन्ग टर्म में तकलीफ। और कुछ ऐसे होते जो एक ही बार पढ़ेंगे और एग्जाम्स बार बार देंगे, और हमारे साथ यही होने वाला है, एक एक टॉपिक का बहुत बार एग्जाम होता है, तो क्या हर बार हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहे? और फाइनली जब बोर्ड एग्जाम आएगा या एंट्रेंस आएगा तो इतना बहुत तुम्हारा रहेगा ही नहीं कि आप सब कर पाओगे। सो आइडेंटिफाई करो अपने आप को, हम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। यस, झालं का आसावरी लिहून? वेट सर, करा करा पटकन दिया। चलो मैं पैरामेशियम की बात करूंगा, उस डायग्राम की तरफ वापस जाते हैं। पैरामेशियम के, पैरामेशियम जो है इट इज अ सिलिएटेड प्रोटोजोन, उसके बॉडी पे क्या होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं सिलिया। तो ये सिलिया से उसका लोकोमोशन भी होता है, सिलिया से लोकोमोशन भी होता है, और सिलिया से ये फूड भी कैप्चर करते हैं। कैसे कैप्चर करते हैं बताता हूं। तो इधर एक छोटा सा एक ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग को कहते हैं गलेट, और पूरे बॉडी पे क्या है सिलिया है,
हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, बॉडी मतलब क्या सेली है इनका, दे आर यूनिसेलुलर। तो ये सिलिया जो है ये सारे सिंक्रोनाइज वे में मूव होते हैं, सिंक्रोनाइज समझते आप, एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे। तो जो भी फूड आसपास होगा उसको यहां तक लेके आएंगे, कहां तक, गलेट तक। इनका गलेट मतलब इनका गला है या माउथ, गला नहीं बोलूंगा मैं, माउथ है, उस माउथ से फूड अंदर आएगा। बट फूड को माउथ तक लाने का काम किसका है, सारा सीलिया का है। सीलिया उसको पुश करेंगे और अल्टीमेटली कहां तक आ जाएगा, फूड उस गलेट तक आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, अपने फूड को हासिल करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी द गलेट इन द डायग्राम, उसी के बाजू में ओरल ग्रू करके वर्ड है, ओरल मतलब माउथ और ग्रू मतलब छोटा सा हिस्सा जिसके अंदर फूड एंट्री करेगा और गलेट से फिर पैरामेशियम उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने बॉडी के अंदर एनगल्प कर लेगा। सो दिस इज द वे हाउ पैरामेशियम वर्क्स। तो ये देखिए हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, चार कैटेगरीज देखी। अब तीसरा कैटेगरी जो हमें देखना है वो है डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स, अब इनको डायनोफ्लैजेलेट्स क्यों बोला है, तो इनके नाम से ही हमें समझ में आएगा, डायनो माने दो और फ्लैजेलेट्स मतलब फ्लैजेला, तो दे आर दे हैव टू फ्लैजेला। डायनोफ्लैजेलेट्स हैव टू फ्लैजेला, मतलब लोकोमोशन के लिए क्या यूज करते हैं, फ्लैजेला। सेकेंड, ये डायनोफ्लैजेलेट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं एंड दे हैव वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स विद डिफरेंट कलर्स, मतलब इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग कलर की पिगमेंट्स होती है, ठीक है। और इनका रिप्रोडक्शन भी बहुत रैपिडली होता है, मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। तो इनका एक एग्जांपल है गोनियोलॉक्स करके, एक डायनोफ्लैजेलेट का एग्जांपल है गोनियोलॉक्स। ये गोनियोलॉक्स इतने रैपिडली बढ़ता है कि पूरे समुद्र में मानो लाल कलर की लहर आ जाती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स, ओके। तो ये गोनियोलॉक्स जो है, ये गोनियोलॉक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स। और इनकी और एक खासियत ये है कि इनका जो सेल वॉल है वो कैसा है, शेल लाइक है, मतलब एकदम हार्ड इनका सेल वॉल होता है, ठीक है। तो आपको दोनों व्यूज दिख रहे हैं, वेंट्रल व्यू एंड डॉर्सल व्यू। बॉडी पे देखो प्लेट्स है, प्लेट्स वो जो कवरिंग है, जैसे अपनी ढाल होती है, या ढाल से भी बेहतर वर्ड यूज करूंगा आर्मर, चिलखत जिसको हम बोलते हैं, वैसे ही इनका आर्मर है, पूरे बॉडी को ये प्लेट से ढक दिया है इन्होंने, और उसके अंदर से इनके फ्लैजिला अराइज होते हैं, ओके। तो ये डायनोफ्लैजेलेट्स है, सो दे आर एक्वेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्टिफ स्टिफ प्लेट्स, दे पजेस अ पेयर ऑफ फ्लैजिला एंड दे हैव वेरियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो उसके उसका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा तो पूरा समुंदर लाल लाल, वो लहरें सारी लाल दिखेंगी, तो दैट इज कॉल्ड रेड टाइड। इसका रेड सी से संबंध मत जोड़ना, रेड सी अपीयर्स रेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। यस, वेलकम बैक आर्या। ओके, किसी को लिखना है डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में कुछ? ओके, लिखना है, ठीक है, कर लो नोट डाउन। किताली पाटिल, वेलकम बैक।
पॉइंट्स कर दिए पूरे पैराग्राफ के, ताकि आपके लिए पॉइंट वाइज मैनर में लर्न करना इजी हो और लिखने के लिए भी आसान हो और पेपर चेक करने वाले के लिए भी काम आसान हो जाएगा। पर थोड़ा क्विक फटाफट नोट डाउन, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उतने लिख लो के चलेगा, नो नीड टू राइट द एंटायर स्टेटमेंट, आपको बस वर्ड्स याद रखने हैं, स्टेटमेंट तो आप बना सकते हो आराम से। पेयर ऑफ लजला, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, रेड टाइड गोनियोलॉक्स, दैट्स इट, खत्म। बिग वेक फटाफट डन सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। डन सर। मीत डिंपल झालं की हात खाली करा पटकन। डन सर। ओके थैंक यू। डन सर। गुड गुड वेरी गुड। डन सर। एवरीवन डन, वेरी गुड। सो जैसे आपने प्रोटिस्टा चालू किया तो क्या पढ़ा था कि प्रोटिस्टा तीन अलग अलग किंगडम्स की लिंक है, उसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, अब क्या बचा बताइए, तीसरा किंगडम क्या है? अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही क्या अब तक? शायद आप आ रही है क्या? ओके किंगडम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हो गया, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हो गया, तो क्या बचा? फंगाई लाइक मतलब क्या? दिखने में फंगस जैसे? नो, फंगाई लाइक मतलब उनका काम फंगस जैसा है, जैसे फंगस डिकम्पोजिशन करता है, एब्जॉर्ब करता है फूड को, वैसे ये तो यूनिसेलर है ना, दिखने में फंगस जैसे दिखेंगे भी नहीं, ये यूनिसेलर है, बट ये क्या है, सेप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर्स है। तो व्हाट दे डू, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकम्पोजिशन, ओके, हेंस दे आर कॉल्ड एज फंगाई लाइक। सर वीडियो पॉज हो। यस सर। यस सर।
सर वीडियो स्टूडेंट सर के एंड पे नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है सर ज्वाइन करेंगे यस आ गए सर ओके नॉर्मली मैं आपको वेलकम बैक बोलता हूँ आप भी मुझे बोल सकते वेलकम बैक सर ऐसा वेलकम बैक सर वेलकम बैक सर वेलकम बैक सर ओके अच्छा है फिर भी एक मिनट के लिए जाता है वापस आ जाता है हम बात कर रहे थे मिक्सो माइसिटिस की माइसिटिस के बारे में मैं बोल रहा था माइसिटिस वर्ड आता है माइसेलियम से और माइसेलियम का मतलब होता है फंगल बॉडी फंगस के बॉडी को क्या कहते हैं माइसेलियम तो जब भी माइसिटिस वर्ड आएगा तो समझ जाने का इट इज रिलेटेड टू फंगाई या फंगस तो इनका जो ग्रुप है फंगाई लाइक प्रोटिस्ट इनको क्या कहते हैं मिक्सोमाइसिटिस क्या करते हैं ये मिक्सोमाइसिटिस के मेंबर्स क्या है डिकम्पोजर्स है दे ऑप्टेन फूड या ऑप्टेन न्यूट्रिशन कहेंगे हम न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कहां से इनको फूड मिलता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से और इनकी एक खास बात अभी मैं बता रहा हूं आपको कि ये है यूनिसेलुलर बराबर प्रोटिस्टा के सारे मेंबर्स यूनिसेलुलर है लेकिन ये इतना तेजी से बढ़ते हैं और इतना मल्टीप्लाई होते रैपिडली कि इनका बहुत बड़ा ऐसा ग्रुप बन जाता है और उस बहुत बड़े ग्रुप को फिर हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम अभी थोड़ी देर पहले भी आपने एक प्लाज्मोडियम पढ़ा था और तो मलेरिया को मलेरिया के लिए जिम्मेदार प्लाज्मोडियम था इधर ये प्लाज्मोडियम का मतलब अलग है इट इज अ एग्रीगेशन ऑफ सेल्स इट इज अ एग्रीगेशन एग्रीगेशन मतलब साथ में आना जुड़ जाना जमा हो जाना उसको क्या कहते हैं एग्रीगेशन आपके मार्कशीट पे होता है ना एग्रीगेट टोटल ग्रैंड टोटल को हम एग्रीगेट कहते हैं तो ये प्लाज्मोडियम का मतलब क्या है एग्रीगेशन ऑफ सेल्स लाखों करोड़ों सर वीडियो इज पॉज यस बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम वापस सर का वेट वेट सर कनेक्ट करेंगे वापस जूम मीट में कनेक्ट करेंगे क्या आ गया सर वापस वापस गया सर फिर से गया अभी साइमन गोपेक बोलो स्टूडेंट्स आवाज आ रहा है ना मेरा यस सर यस सर यस मेरा नेटवर्क है सर आपका नेटवर्क कभी जाता ही नहीं है अरे भाई ऐसा नहीं है मेरे को भी धोखा मिलता है कभी कभी गाइस सर अभी आया वापस कनेक्ट होंगे सर
Okay, so this was about Plasmodium. Welcome back, sir. Thank you. You warm welcome, जाके भी वापस आ जाता मैं. So thank you for that. Okay, so here is fungi like protist. कोई सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है और साथ में इनके रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं. व्हाट आर स्पोर्स? स्पोर्स आर थिक वॉल्ड सेल्स. जब आपने ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो करने का प्रैक्टिकल किया होगा तब ये स्पोर्स से ही वो फंगस ग्रो हुआ था ब्रेड के ऊपर. यानी हवा में क्या होता है, स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर्स, अलगल स्पोर्स, फंगल स्पोर्स, सब ये ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स हवा में रहते हैं और इन्हीं से वापस नया ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है, तो ये हमने फंगल लाइक प्रोटिस्ट कंप्लीट किया. अब लास्ट वाला देखते हैं और ये हमारा किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट करते हैं. सो ये लास्ट वाला है क्या, यूग्लिनॉइड्स. ओके, लास्ट कैटेगरी इन किंगडम प्रोटिस्टा, लास्ट डिवीजन इन किंगडम प्रोटिस्टा इज यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड्स एग्जांपल क्या लेंगे यूग्लिनॉइड्स का, यूग्लिना. अब इनकी खासियतें क्या है मैं बताता हूं. सबसे पहले इनमें सेल वॉल नहीं होती है, भले प्लांट के जैसे, बट इनके पास क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है. फिर इनके पास क्या है, तो इनके सेल का जो कवरिंग है वो किसे बना है, प्रोटीन से बना है और उस कवर का नाम है पेलिकल. कवर का नाम क्या है, पेलिकल. ये पेलिकल भी टफ होता है बट सेल वॉल के जैसा रिजिड नहीं होता है. आप फर्क समझते हो, रिजिड, रिजिड माने जिसमें बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होगा उसको रिजिड कहते हैं. तो इनके शेप में थोड़ा सा चेंज हो सकता है. ठीक है, सेल वॉल नहीं है, प्रोटीन का एक कवर है उसका नाम है पेलिकल. फिर इनके पास भी क्या है, पेयर ऑफ फ्लैजेला है. ठीक है, बट इस पेयर में भी एक फ्लैजेला लॉन्ग होगा और एक फ्लैजेला शॉर्ट होगा. तो थोड़ा अजीब ही सिस्टम है इनका. फ्लैजेला दो है लेकिन एक फ्लैजेला कैसा है, लॉन्ग, और एक फ्लैजेला कैसा है, शॉर्ट. और सबसे यूनिक बात इनकी ये है कि दे आर ऑटोट्रॉप व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल. जब सनलाइट मिलेगी तो ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉप. बट अगर सनलाइट का नहीं है अवेलेबिलिटी देन दे बिकम हेटरोट्रॉप्स. यानी को कमाल की बात है ना, इनको जब चाहिए वैसे ही ये अपना फूड हासिल कर लेते हैं. अगर सनलाइट अवेलेबल तो ये क्या करेंगे, ऑटोट्रॉप बन के फूड तैयार करेंगे खुद. और अगर सनलाइट नहीं है तो ये क्या करेंगे, फिर दे विल स्टार्ट यूजिंग अदर ऑर्गेनिज्म एज फूड. ठीक है, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूग्लिनॉइड्स. तो देखते हैं इनके पॉइंट्स क्या क्या है. चलो यही पॉइंट्स है जो मैंने बता दिया आपको.
गुड इवनिंग प्रणव सर. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग सर. सर एक दो मिनट. यस नो प्रॉब्लम. हो गया सबने देख लिया यूक्लिनॉइड्स. सो वी आर डन विद किंगडम प्रोटिस्टा. नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टडिंग किंगडम फंजा है या फंगा है जो भी आपको कहना है. तो प्रोटिस्टा में आपने देखा पांच डिवीजन थे. पहला डिवीजन था प्लांट लाइक प्रोकेट. उसमें आपने देखा डायटम्स को और डेसिमिड्स को क्राइसोफाइट्स के लिए दूसरा नाम था. फिर सेकेंड आपने देखा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. उसमें वापस चार टाइप देखे डिपेंडिंग ऑन देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स अमीबॉइड बाद में सिलिएटेड लैजेरेटेड एंड स्पोरोज़ोअन्स या स्पोर प्रोड्यूसिंग. फिर तीसरा देखा आपने डाइनोफ्लैजेलेट्स. फिर फोर्थ आपने देखा फंगल लाइक प्रोटिस्ट और लास्ट अभी जो देखा हमने दैट वाज यूग्लिनॉइड. ओके सो दिस इज अबाउट द फाइव डिफरेंट डिविजन्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा यहाँ पे खत्म होता है एंड नेक्स्ट हम देखेंगे किंगडम फंजाई और आगे का पार्ट. सो थैंक यू सो मच. जस्ट फीडबैक दे दोगे अच्छा रहेगा. लेक्चर आपको समझ में आया नहीं समझ में आया व्हाटएवर.